पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान ने T20 इंटरनेशनल में दोनों के बीच अब तक खेले गए कुल 4 आई मैच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें 3 पाकिस्तान ने और 1 अफगानिस्तान ने अपने नाम किया है। T20 मैच दोनों टीमें 8 दिसंबर 2013 में आमने सामने आई थी। उस मुकाबले में पाकिस्तान 6 विकेट से विजयी रही थी। वहीं 2023 में अफगानिस्तान ने T20 में पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। ऐसा रहा मैच का हाल। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 20 ओवर में 9 विकेट पर महज 92 रन बोर्ड पर लगा सकी। इसमें इमाद वसीम ने सर्वाधिक 18 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सैम अयूब ने 17, तैयब ताहिर ने 16 और कप्तान शादाब खान ने 12 रन बनाए व बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान ने 17.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से मोहम्मद नबी ने सबसे ज्यादा 38 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रनों की पारी खेली। इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मजबूत रही अफगानिस्तान की गेंदबाजी। इस मैच में अफगानिस्तान की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। इसमें मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में महज 9 रन खर्च कर 2 विकेट झटके, फजल हक फारूकी ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए और मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा अजमतुल्लाह उमर जई, नवीन उल हक और कप्तान राशिद खान ने को 1-1 सफलता मिली। पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी। इससे पहले एशिया कप 2022 में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट के अंतर से हराया था।